to stop that. Hold on! तो फाइनली दोस्तों हॉलीवुड की बिग बजट और मोस्ट अवेटेड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 यानी कि फास्ट सागा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस 20 तारीख को रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों इस फिल्म ने रिलीज होते ही दुनिया भर की सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और 2021 की नंबर 1 फिल्म भी बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितने करोड़ की कमाई कर ली है, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कब रिलीज होगी और बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस हिट स्टेटस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का क्रेज ऑडियंस के बीच में एक अलग ही लेवल का है। इस सीरीज की फिल्मों को देखने के लिए दोस्तों ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्मी सीरीज की अब तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है सभी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब दोस्तों इस सीरीज का नोवा पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द फास्ट सागा इस हफ्ते रिलीज हो चुका है और यकीन मानिए दोस्तों आपको इस बार भी इस फिल्मी सीरीज में बेहतरीन एक्शन देखने को मिलने वाला है और शानदार स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को अभी चाइना बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है जहां पर इस फिल्म को रिलीज हुए आज 4 दिन हो चुके हैं और इन 4 दिनों में दोस्तों इस फिल्म का जो चाइना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो कितना रहा है और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितने करोड़ की कमाई कर ली है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों बताते चले आपको कि जस्टिन लिन के डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन एडवेंचरस और थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको विन डीजल, जॉन सीना, माइकल रॉड्रिज और टायरिस गिब्सन जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो 25 जून को या फिर जुलाई में रिलीज किया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये फिल्म फिलहाल में चाइना और कई सारे देशों में एक साथ रिलीज हो चुकी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के चाइना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को चाइना बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मिली और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन $58 मिलियन की कमाई चाइना बॉक्स ऑफिस पर की, यानी कि लगभग 420 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन चाइना से की। अपने दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला और इस फिल्म ने कमाए $47 मिलियन यानी कि लगभग 350 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन भी इस फिल्म ने चाइना बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 मिलियन से ज्यादा की कमाई की और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो चाइना बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही वीकेंड का $135 मिलियन यानी कि लगभग 985 करोड़ रुपए का हो चुका था। बताते चले दोस्तों आपको कि आज भी ये फिल्म चाइना बॉक्स ऑफिस पर लगभग $15 मिलियन की कमाई कर रही है, यानी कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 1100 करोड़ से भी ज्यादा का चाइना बॉक्स ऑफिस पर हो रहा है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस की, तो वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अभी तक 180 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुकी है, यानी कि दोस्तों इस फिल्म का अभी तक जो टोटल कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी लगभग 1300 करोड़ रुपए का हो चुका है, जबकि दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो $200 मिलियन का है यानी कि लगभग 1500 करोड़ रुपए का। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म सिर्फ चाइना बॉक्स ऑफिस पर से ही अपना बजट रिकवर कर चुकी होगी और अदर कंट्रीज में दोस्तों इस फिल्म के जो मेन मार्केट्स है वहां पर अभी ये फिल्म रिलीज होगी तो वहां से भी जबरदस्त कमाई करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बार की फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का ये पार्ट $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर पाएगा या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस और साउथ की अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।